बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुन्ना जो है थमाया गया। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है, तो हमको लगता है कि नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आज करीब 5 दिनों के बाद दिल्ली से पटना लौटे हैं और पटना लौटते ही सीबीआई और मोदी कैबिनेट पे जमकर बरसे। कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कैबिनेट का विस्तार कर लिए, बहुमत से सरकार बना ली, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? सीबीआई को लेकर सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव का नाम चार्जशीट में फिर से एक बार डाला है। इसको लेकर जब सवाल किया तो तेजस्वी यादव भड़क जाते हैं और मुस्कुराते हुए भी कहते हैं कि देखिए, ये पहली बार है कितनी बार सीबीआई ने एक ही व्यक्ति का नाम बार बार डाला है। क्या कुछ करें तेजस्वी यादव, पहले आप उनके बयानों को सुने। नई सरकार का गठन हुआ है, किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है, तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है, मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है, तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हो। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है, कि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुंझुन्ना जो है थमाया गया। तीन वर्ग है, कौन से वाले केस में, कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में, पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया, कोई मतलब है? मान लीजिए आप एक केस में हैं, आपका चार्जशीट में ऑलरेडी नाम हो गया, फिर आप ही का डाल देंगे, क्या सेंस, कोई सेंस है क्या? पहले नहीं था चार्जशीट में नाम? तो आप लोगों को भी जानकारी पहले पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए, इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक और सवाल है कि लोकसभा, और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। देखिए, 2019 में हमें आया था कितना सीट, 0। अब 20 में आया कितना, सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, इस बार आया 4, तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार। तो आपने साफ तौर पे सुना तेजस्वी यादव कहते जा रहे हैं कि देखिए, बिहार में
विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा है, बिहार को विशेष पैकेज की बात है, वही लालू प्रसाद यादव के ऊपर मुकदमा करने को लेकर कहा कि ये पहली बार नहीं है, एक ही व्यक्ति को बार बार नाम डाला जा रहा है चार्जशीट में और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये रूटीन है, सीबीआई का ये रूटीन है और बार बार सीबीआई लालू परिवार के साथ ऐसा करती है सरकार के दबाव में। बहरहाल इस खबर इतना ही, इसे तमाम खबरों के लिए सब बने रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।